दोस्तों ऑनर ने आज ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि इसका अपकमिंग स्मार्टफोन ऑनर 9N लॉन्च होने जा रहा है 24 जुलाई को इंडिया में और ये स्मार्टफोन एक फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव स्मार्टफोन होगा। साथ में दोस्तों बताया जा रहा है कि ये स्मार्टफोन इंडिया में सबसे सस्ता स्मार्टफोन होगा जिसके अंदर आपको नॉच वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा और आपको इस स्मार्टफोन के अंदर काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन और प्राइसिंग भी देखने को मिलेंगे। मैं इस वीडियो में दोस्तों आपको ऑनर 9N के रिगार्डिंग सभी लेटेस्ट कन्फर्म इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो गाइस लेट्स बिगिन। दोस्तों हुआ का सब ब्रांड ऑनर ने आज ऑफिशियली इंडिया के अंदर अनाउंस कर दिया है इनका अपकमिंग स्मार्टफोन के लॉन्च डेट को जो कि होगा 24 जुलाई में और ये स्मार्टफोन एक फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव स्मार्टफोन होगा। और दोस्तों बताया जा रहा है कि ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर सबसे सस्ता स्मार्टफोन होगा जिसके अंदर आपको पहली बार नॉच डिस्प्ले देखने को मिलेगा। साथ में दोस्तों इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन और प्राइसिंग बहुत अच्छे हैं। अगर मैं ऑनर 9N की स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो आपको इस फोन के अंदर मिलेगा 5.84 इंचेस की फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाला आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले जहां पे आपको मिलेगा 19:9 स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। साथ में दोस्तों यहां पे आपको नॉच डिस्प्ले भी देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों इस फोन की हार्डवेयर की बात करें तो यहां पे आपको मिलेगा हुआवे का कस्टम हाई सिलिकॉन केरिन 659 ऑक्टाकोर प्रोसेसर। इसके साथ में आपको मिलेगा मालिका T830 MP3 जीपीयू जो कि एक अच्छा जीपीयू है और यहां पे आपको मिलेगा 4GB का रैम। यहां पे दोस्तों बताया जा रहा है कि आपको इस फोन में एक डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट भी देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों इस फोन की कैमरा की बात करें तो आपको फोन की रियर साइड में मिलेगा एक 13MP प्लस 2MP का डुअल रियर कैमरा और फोन की फ्रंट साइड में आपको मिलेगा एक 16MP का सेल्फी कैमरा। यहां पे आपको बहुत अच्छा पोर्ट्रेट शॉट का फीचर भी देखने को मिलेगा बोथ फोन की फ्रंट और रियर कैमरा के थ्रू। अगर दोस्तों इस फोन की बैटरी की बात करें तो यहां पे आपको मिलेगा 3000mAh की लिथियम आयन बैटरी जिसको आप चार्ज कर पाएंगे माइक्रो यूएसबी पोर्ट के थ्रू, पर दोस्तों यहां पे आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो आपको इस फोन में मिलेगा 8.0 ओरियो आउट ऑफ द बॉक्स हुआवे का कस्टम EMUI 8.0 के साथ में जिसके अंदर आपको बहुत सारे लोडेड फीचर्स जैसे कि फेस अनलॉकिंग का फीचर भी इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। साथ में दोस्तों आपको इस फोन में सभी तरह के बेसिक सेंसर्स इंक्लूडिंग फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड जायरोस्कोप भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थे डिटेल स्पेसिफिकेशन। अब आते हैं स्मार्टफोन की प्राइसिंग की तरफ। दोस्तों इस स्मार्टफोन की ऑफिशियल प्राइसिंग अब तक अनाउंस नहीं हुए पर दोस्तों लीक्स के हिसाब से स्मार्टफोन की 4+64GB वेरिएंट जो कि इंडिया में लॉन्च होगा उसका प्राइस हो सकता है 13,999 रुपीज़। और दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको फ्लिपकार्ट के थ्रू एक्सक्लूसिवली मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग काफी अच्छा रखा गया है। मेरे हिसाब से दोस्तों आपको इस प्राइस रेंज के अंदर कोई भी स्मार्टफोन कंपनी अभी नॉच डिस्प्ले प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं इंडिया में, तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन एक सस्ता वाला स्मार्टफोन होगा जिसके अंदर आपको पहली बार इंडिया में नॉच देखने को मिलेगा एक बजट प्राइस कैटेगरी के अंदर। और इस स्मार्टफोन की कैमरा और बाकी स्पेसिफिकेशन भी अच्छे हैं, तो देखते हैं हुआवे इसका ओरिजिनल प्राइस कितना रखता है इंडिया में। मेरे हिसाब से अगर इस स्मार्टफोन की प्राइस 14,999 रुपीज़ हुआ तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन एक अच्छा स्मार्टफोन होगा। इसके बारे में दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों ये थे कंप्लीट वीडियो ऑनर 9N के रिगार्डिंग। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ प्लीज शेयर कर लीजिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या कोई भी सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। लास्ट में दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जय हिंद।